कल प्रयागराज में मौत के घाट उतार दिए गए अतीक अहमद को पहले से ही खतरा हो चुका था कि उनकी मौत करीब है। अतीक अहमद ने अहमदाबाद से प्रयागराज शिफ्ट किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और ये शक जाहिर किया था कि उनका फर्जी इनकाउंटर करवाया जा सकता है। अतीक अहमद को यह साफ तौर पर आभास था कि उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। अतीक अहमद ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भी कहा था कि वे मीडिया के कारण ही वे जिंदा हैं, लेकिन अतीक अहमद को यह नहीं आभास था कि जिस मीडिया को वो अपने लिए सेफ समझ रहे हैं उसी मीडिया के वेश में उनके हत्यारे आएंगे और उनको मौत के घाट उतार देंगे। अतीक अहमद लगातार अपने को बचाने के प्रयास कर रहा था। अतीक अहमद बेटे असद की मौत के बाद अंदर से टूट गया था और कहीं ना कहीं उनको भी आभास हो गया था कि उनका अंत करीब है। अतीक अहमद अहमदाबाद से यूपी नहीं आना चाहता था। उसने सुप्रीम कोर्ट तक वहां शिफ्ट न किए जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी याचिकाओं को नामंजूर कर दिया गया। इसके चलते अतीक अहमद को दो बार अहमदाबाद से प्रयागराज लाया गया। उत्तर प्रदेश में आने के बाद अतीक अहमद को यह साफ तौर पर महसूस हो गया था कि उनको किसी न किसी तरीके से निपटाया जाएगा, लेकिन उनको यह आभास नहीं था कि छोटे मोटे अपराधी उसे बीच सड़क पर निपटाने का काम करेंगे। अतीक अहमद को यह खौफ था, यह डर था कि यूपी की पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी। जिस तरह से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था उसी तरह से अतीक अहमद को अपना अंत भी नज़दीक नज़र आ रहा था। यूपी पुलिस से बचने के लिए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी और यूपी न भेजने की गुहार लगाई थी। अतीक अहमद ने सीएम योगी के से भी फरियाद की थी कि उनके परिवार को न छेड़ा जाए, उनकी बीवी और उनके बच्चों को परेशान ना किया जाए, उनको बख्श दिया जाए और उनके गुनाहों की सज़ा सिर्फ उनको की दी जाए और उनके परिवार को तंग न किया जाए। लेकिन अतीक अहमद को यह एहसास नहीं था कि जहां उनका बेटा असद इनकाउंटर में मारा जाएगा वहीं उनकी मौत भी बीच सड़क के बीच में भाई अशरफ के साथ हो जाएगी। अतीक अहमद ने अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनका अंत वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। आपको और भी बता दें कि आज से 19 साल पहले भी अतीक अहमद ने कुछ पत्रकारों के साथ लखनऊ में बातचीत में यह कहा था कि उनका अंत उन्हें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा था कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के चलते या तो उन्हें पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाएगा या उनके ही परिवार का, उनके ही कौम का कोई सिरफरा युवक उन्हें मार देगा। इन दोनों ही बातें तो नहीं हुई, लेकिन सड़क के बीच में मारे जाने की उनकी आशंका सही साबित हुई। 44 साल के क्रिमिनल करियर के बीच में अतीक अहमद का वही अंत हुआ जो अक्सर माफिया डोनों का हुआ करता है, जो क्रिमिनलों का हुआ करता है। अतीक अहमद ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए पूरे 5 दशक खर्च कर दिए, लेकिन उनकी मौत जिस तरह से हुई उसे साफ जाहिर हो गया कि माफियाओं का अंत बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा खौफनाक होता है। अतीक अहमद के बारे में एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।